दोस्तों, सेब के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये कितना गुणकारी फल है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एप्पल सभी के लिए सही नहीं होता। सेब खाने से पहले अपनी शारीरिक बीमारियों का भी मूल्यांकन करना जरूरी है। सेब खाने से हमें बहुत सी बीमारियों से राहत मिलती है, परंतु कई बार सेब का खाना हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए सोच समझकर सेब का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 लोगों के बारे में बताएंगे जिनको सेब का सेवन नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और फ्लेवोनोइड्स जैसे अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बीमारियों में सेब का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनमें सेब खाने से हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो लोग इन समस्याओं से ग्रसित हैं वे अगर सेब नहीं खाएं तो बेहतर है। आइए जानते हैं किन किन लोगों को सेब खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को, अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को सेब खाने से समस्या हो सकती है। तो पहला नंबर, ज़्यादा मोटे लोग, ज़्यादा मोटापा वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो मोटापा की समस्या से परेशान हैं, उनको सेब का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग वजन घटाने के लिए सेब का सेवन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मोटापा की बीमारी से जूझ रहे लोगों को सेब खाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सेब में बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है जो मोटापा कम करने के बजाय बहुत तेज़ी से मोटापा को बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को यह समस्या है वे सेब से परहेज करें तो बेहतर है। तो दोस्तों, दूसरे लोग कौन से हैं? दूसरे लोग हैं शुगर से ग्रसित लोग। जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनको सेब से बचना चाहिए, क्योंकि सेब में मीठा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शुगर वाले लोगों को खाली पेट सेब का सेवन करने से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह जहर से जैसा है। दोस्तों, सेब से खाने से शुगर की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए शुगर वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे लोग हैं दिल की बीमारी वाले लोग। सेब में फ्रुक्टोज काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है उन लोगों को सेब खाने से पहले एक बार चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बहुत से लोग दिल की बीमारियों में आराम पाने के लिए सेब खाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सेब का सेवन कभी भी दिल की बीमारियों को कम करने के लिए नहीं करें, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का एक कारण सेब भी बन सकता है, इसलिए दिल के मरीजों को इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर रोगी की जांच करके उसके शरीर में होने वाली बीमारी को अच्छी तरह भांप सकता है। बहुत से लोगों को चिकित्सक सेब खाने की सलाह भी देते हैं, लेकिन वे उनकी बीमारी की स्थिति को देखते हुए यह सब करने को कहते हैं। अतः दोस्तों, इन बातों पर अमल करने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।